सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके स्टाफ में किसी आदमी की ये हरकत है और उन्होंने ओपनली इसके लिए माफी मांगी। मैं समझता हूं ये बड़ा दिल होता है कि आप माफी मांगें, गलती करने के बाद माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। आज तक मणिपुर के अंदर जो दो औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया भारतीय जनता पार्टी के वहां के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी है उसके लिए। जो ओलंपिक जीतने वाली पहलवानों के साथ अभद्रता की गई, उनकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाला गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने अब तक माफी नहीं मांगी है भारतवर्ष से, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या मंत्री ने उसके लिए माफी मांगी है। मैं समझता हूं कि ये जो भद्दी हरकतें हैं ये बंद होनी चाहिए। और मैं यहां भी बताऊं, स्वरा भास्कर करके एक महिला थी जो ट्विटर पे काफी एक्टिव थी, उनकी फिल्मों और फिल्मों के पात्र के लिए उनको क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भद्दी भद्दी बातें ट्विटर पर लिखते थे वो आज भी मौजूद है। तो भद्दी बातें किसी भी महिला के विषय में नहीं लिखनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो। और एक्टर्स एक्ट्रेसेस अलग अलग रोल करते हैं, उनके रोल की अलग अलग पात्रों की अलग अलग मांग होती है, उस तरीके की चीजों को निकाल के देना ठीक बात नहीं है, ये मर्यादा नहीं है।